उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल में डिप्थीरिया नामक घातक बीमारी से 20 बच्चों की मौत होने के बाद मृतक बच्चों के परिजनों ने महर्षि वाल्मीकि संक्रामक रोग अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से पूर्व कांग्रेस सांसद जयप्रकाश अग्रवाल और तिमारपुर से पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह बिट्टू और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन में शामिल होकर एमसीडी के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। बात है, बड़े शर्म की बात है, ये हिंदुस्तान की राजधानी है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक अस्पताल में इस तरह के वातावरण बने कि बच्चों की मौत हो जाए और प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं कि रजौली गार्डन से जाके दवाई ले लो, 10,000 रुपये की आएगी। ये हॉस्पिटल कहाँ के लिए है? सरकारी हॉस्पिटल है, हमने वायदे करे थे कि हम सुविधा देंगे। मुझे लगता है जंगल राज हो गया जहाँ किसी की कोई कीमत नहीं है, जान की तो वैसे ही कोई कीमत नहीं है इनके लिए। इनके लिए सत्ता मिलनी चाहिए, जैसे चाहे मिले, झूठ बोलना पड़े, कुछ करना पड़े, लेकिन उसके बाद एक हादसा हुआ, उसके बाद भी कोई आके खड़ा नहीं हुआ, ना असेंबली का, ना पार्लियामेंट का, ना कॉरपोरेशन का, जिनकी जिम्मेदारी कहाँ है वो लोग? बड़े बड़े वायदे करो, झूठ बोलो और आगे निकल जाओ। हम ऐसे नहीं हैं, कांग्रेस का एक एक आदमी सड़क पे रहता है, लोगों के दुख सुख में शामिल होता है। आज सुरेंद्र पाल बिट्टू जी भी यहाँ हैं, गुड्डी देवी जो मेंबर है वो भी हैं, और भी सारे हमारे, हम इनके साथ खड़े हैं, हम इनको अकेला छोड़ने वाले नहीं। परिजनों ने बच्चों की मौत के पीछे अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। आरोप ये भी है कि डॉक्टर्स ने दवाइयां और इंजेक्शन के नाम पर भी परिजनों से पैसे लूटे और बच्चों की जान नहीं बचाई। 2 बजे यहाँ अपनी बच्ची को लेके आया था, तकरीबन 2 बजे इसमें लेके आया था, एमरजेंसी में देखा था तो उस टाइम कोई डॉक्टर नहीं था। मैंने कहा ये एमरजेंसी कैसी है, मेरी बच्ची की हालत सीरियस है और ये नहीं, कोई भी डॉक्टर नहीं था। फिर वार्ड में कह रहे थे लोग राउंड लगाने गए हैं डॉक्टर, जब राउंड लगा के आए थे डॉक्टर, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कहा तो आप फौरन से फौरन ये हम डोज दे रहे हैं ये लेके आ जाइए वहाँ से। मैंने कहा कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कहाँ मिलेंगे हमें नहीं पता, बोर्ड में जाकर मरीजों से पता कर लीजिए। हमने मरीजों से जाकर पता है तो सारे मरीज ये कहने लगे कि हमें भी अभी डोज नहीं मिले हुए हैं। राजौरी गार्डन में एक एड्रेस दिया था तो वहाँ भी जाकर हमने पता किया तो वहाँ कह दिया मंडे को डोज आएंगे। हम लेकर आए हमने एमरजेंसी में एडमिट करा, एमरजेंसी में डॉक्टर ने देखा, बहुत देर बाद तो डॉक्टर आया, 3 बार नर्स बुलाने गई उसे, जब वो डॉक्टर आया डॉक्टर ने ये पर्ची लिख कर दी इस पे डॉक्टर के वो जो इंजेक्शन लिख के दिया था कि आप बाहर से ले आओ। मैंने पूछा भी कि आपके पास क्या ये दवाई नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल है, तो उन्होंने कहा नहीं आप बाहर से ले आओ, अगर लाने हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इस लड़की को आप यहाँ से ले जाओ। फिर हम इस इंजेक्शन को बहुत मुश्किल से ढूंढते कम से कम जो इंजेक्शन हमें 10 मिनट में अगर हमें इस हॉस्पिटल से मिल जाता तो आज हमारी बच्ची जिंदा होती, जो हम 8 घंटे बाद इस एड्रेस पे ढूंढ के पहुंचे, इस पे नंबर लेके इस पे पहुंचे, और कम से कम हमारा इंजेक्शन 11:30-12:00 करीब लगे। एमसीडी का अस्पताल होने की वजह से कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और अस्पताल के डायरेक्टर का इस्तीफे की मांग कांग्रेस ने की है। उधर जिस इंजेक्शन की कमी की वजह से बच्चों की मौत हुई है उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है, यानी कई बीमार बच्चों की जान अभी भी खतरे में ही है। दिल्ली से अनिल अत्री के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।